Hi, मेरा नाम नीतू रॉय है. I'm 33 years old. I am a mother to a 5-year-old child. मैं अभी पेंसिल्वेनिया USA में रहती हूँ. मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी 95 किलो से स्टार्ट की थी और मेरा करंट वेट 68 किलोज है. मैंने ये वेट लॉस ऑफ अराउंड 27 kgs 5 मंथ्स में अचीव की है. मेरे वेट गेन में मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे. फूडी तो मैं बचपन से ही थी. And then I have always had a big build. Pregnancy, उसके बाद extremely long working hours, इन सारे reasons की वजह से मुझे slip disc हो गया. The slip disc rendered me immobile for around 4 months. उसके बाद जब मैं उस phase से निकली भी, तो भी मेरे लिए बहुत सारे movements बिल्कुल restricted थे. Then around 1.5 साल पहले, जब हम US shift हुए, तब मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे मल्टीकल्चरल क्विजीन का खजाना मिल गया हो. मैंने चाइनीज, थाई, इटालियन सब कुछ ट्राई किया. मिठाइयां तो यहाँ मिलती नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चीज केक्स, पेस्ट्रीज और ब्राउनीज पे अपना हाथ साफ करूं. एंड देन मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मैं कब गुब्बारे की तरह फूल गई. वेट केन, I always had back pain. दो तीन तीन दिन तक मैं बेड पे लेटी रहती थी. मेरे अंदर लेथार्जी, ब्रेथलेसनेस, ये सारे कॉमन इश्यूज थे. मैं अपने बच्चे के साथ खेल नहीं पाती थी. मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दुनिया अब बस ऐसी ही चलेगी. बिकॉज ऑफ वेट गेन, कोई ना कोई हमेशा कुछ ना कुछ टॉन्ट, रिमार्क या मजाक, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही देता है. मुझे एक इंसिडेंट पर्टिकुलरली याद है जब मेरी एक बड़ी क्लोज फ्रेंड ने मेरे से कहा था कि यार तू तो बिल्कुल डबल हो गई है. एंड दैट स्टक. मैं बहुत ही इरिटेटेड रहती थी, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहती थी. मेरा पेशेंस लेवल बिल्कुल लो था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या गया है. मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हूँ. मेरी फैमिली थी मेरे पास मुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इंसान अंदर से मोटिवेटेड ना हो अपने आप को चेंज करने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता. जब हम US मूव हुए तो हम वेरियस एडवेंचर राइड्स, अम्यूजमेंट पार्क्स में जाया करते थे बिकॉज माई चाइल्ड लव्ड इट. हर जगह ये लिखा होता है कि पीपल हु आर ओबीज और दोज हु हैव बैक कंडीशन शुड नॉट राइड. ये देख के मुझे बड़ा अजीब सा फील होता था. मैं वहाँ साइड में खड़ी होती थी जब बाकी मेरे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे होते थे. फिर 31 दिसंबर की पार्टी हुई और जब मैंने उन पिक्चर्स को देखा तो मुझे लगा कि ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो कोई और ही है. एंड दस माई फिटनेस जर्नी स्टार्टेड एज अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. जब मैंने वेट लॉस के बारे में सोचा तो एज अ फर्स्ट स्टेप मैंने अपना शुगर इनटेक कट कर दिया. उसके बाद मैंने टिपिकल होममेड इंडियन फूड लेना शुरू किया और मैंने फर्स्ट डे ही एक जिम में एनरोल कर लिया. उसके बाद मैंने तरह तरह के एक्सरसाइजेस एक्सप्लोर करना शुरू किया, जैसे एक्वा एरोबिक्स, जुम्बा, किक बॉक्सिंग, पिलाटेज एंड वॉट नॉट. देन आई फाइनली सेटल्ड फॉर जुम्बा. जुम्बा वॉज समथिंग विच आई स्टार्टेड डूइंग इनिशियली और उसके बाद अराउंड 1 महीने तक मैंने उसको कंटिन्यू किया. एंड देन द लॉकडाउन थिंग हैपेंड. एंड देन आई स्टार्टेड विथ अराउंड 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग. ब्रिस्क वॉकिंग के साथ साथ मैंने वेट्स कैरी करना शुरू किया. देन उन वेट्स को रिप्लेस मैंने डंबल से किया. एंड देन आई स्टार्टेड जॉगिंग. देन एट टाइम्स आई ऑल्सो स्टार्टेड साइकिलिंग. उसके बाद जब मैंने वेट लॉस अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि आई लव स्वीट्स. मुझे क्रेविंग होती थी, मुझे बहुत मन करता था कि मैं वो मिठाई खा लूं, मैं वो पेस्ट्री खा लूं. My current diet is a healthy mix of low carb and high protein. To increase my protein intake, मैंने eggs and chicken and fish खाना शुरू किया. उसके अलावा मैं एक typical Indian diet follow करती हूँ. I start my day empty stomach. मैं मेथी water लेती हूँ in the morning. उसके बाद around 9 o'clock I take my breakfast, which generally comprises poha, idli, upma. Oats ka chila. After that, around 11:30, I take my mid-morning fruit. And at around 1, I take my lunch. My lunch is generally 2 rotis,
a bowl of dal, then a bowl of sabzi and lots of salads. At around 3:34, I take my chia seeds cold coffee. Iske baad around 5:30, I take another fruit, and then by around 8:30 or 9, I take my dinner. My dinner is usually a mix of various seasonal vegetables, and I top it with some paneer or grilled chicken. My exercise routine is a combination of cardio and weight training. मैं 5 दिन वर्कआउट करती हूँ और 2 दिन रेस्ट लेती हूँ. सो मंडेज आई स्टार्ट विथ जॉग प्लस अपर बॉडी एंड आर्म एक्सरसाइजेस. ट्यूजडेज को मैं कोर एंड लोअर बैक एक्सरसाइजेस करती हूँ. वेंसडे को मैं लेग एक्सरसाइजेस करती हूँ एंड देन थर्सडे को मैं ब्रेक लेती हूँ. अगेन आई स्टार्ट विथ कार्डियो लाइक जॉगिंग एंड साइकिलिंग ऑन फ्राइडे. देन ऑन सैटरडे आई डू माई योगा पिलाटेज एंड मेडिटेशन. And on Sundays, I again take a break. मेरी वेट लॉस जर्नी डेफिनेटली एक बहुत ही हेल्दी वेट लॉस जर्नी रही है, क्योंकि मेरा स्टैमिना बढ़ गया है, मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गया है. मैं अब दौड़ पाती हूँ, भाग पाती हूँ, अपने बच्चे के साथ खेल पाती हूँ. मेरा बैक पेन बिल्कुल चला गया है. मुझे पिछले 5 महीने से याद भी नहीं कि मुझे बैक पेन कब हुआ था. तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी. After losing weight, I just feel phenomenal. मेरे अंदर एक नया confidence आ गया है, मेरे अंदर बिल्कुल positive motivation आ गया है. I just feel mind blowing.